और आप देख रहे हैं फोर्ट का लड़ाई। राजधानी पटना के सबसे बड़े लूटकांड मामले में आज आप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी आवाज बुलंद की है। आज पप्पू यादव एसएस ज्वेलर्स पहुंचकर व्यवसायियों से मिले, जिसके बाद उन्होंने इसको प्रशासन और नेताओं की मिली भगत बताया। आइए आपको ले चलते हैं सीधे तौर पर बाकरगंज और सुनाते हैं जाप सुप्रीमो पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। एक 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 भले आदमी को गोली मारा है, एक प्रोफेसर को गोली मारा, जमीन माफिया। जब नालंदा के की जीवन सुरक्षित नहीं और पटना सुरक्षित नहीं, तो बिहार कैसे सुरक्षित? जिस पटना से बिहार का निर्माण होता है, जो पटना देश के लिए गौरवान्वित जगह है, जब हम यहाँ के बच्चे और बेटी और यहाँ के गार्जियन डरे सामे होंगे, तो चेंज कैसे होगा? ये जितना जनप्रतिनिधि है सबका शेल्टर, हर नेता के आगे पीछे फॉर्चूनर लेके माफिया चलता है। आप उठा के देख लीजिए, नेता जा रहे हैं 5-6 फॉर्चूनर में कौन बैठल है? ये कौन है दादा, ये कौन है नाना, ये कौन है भाई, ये कौन है बाप? ये अपराधी बाप भाई दादा बन जाएगा और आप विधान परिषद में बैठेंगे, यही माफिया लोग। सर आपका आरोप है कि नेता अपराधियों को सह दे रहे हैं, इसमें कोनो बहस है क्या? नेता आज ठीक हो जाए, 12 घंटे में अपराधी शमशान ना जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। जाति के अपराधी को प्रोटेक्ट करती है नेता, हर जात का नेता अपने अपने जाति के अपराधी को प्रोटेक्ट करती है और कहता है ये मेरा आका है, ये मेरा भतार है, ये मेरा सैया है। आप किसी अपराधी के जात के अपराधी के बारे में बोल दीजिए, हम गए कुशवाहा से मुखिया के मर्डर में तो दूसरा जात का लोग बोला काहे ला रहे पप्पू जी, हम गए एक मुखिया शमसिंह आरा में मर्डर में तो ज्यादा बोल रहा था कि हम लोग को फंसा दिया, क्यों आ रहे हैं? हम गए जमुई तो बोल रहा मत आइए, तो जिस जात के मर्डर में जाइए दूसरा जात कहता है मत आइए। तो जब सोसाइटी अपने अपराधी जाति के अपराधी को प्रोटेक्ट करेगी और नेता प्रोटेक्ट करेंगे, हर जात का ग्रुप बन जाएगा, ये कौन है ब्राह्मण ब्रह्मर्षि, ये कौन है क्षत्रिय, ये कौन है जादव, ये कौन है कुशवाहा, तो भाई क्या करेंगे व्यवसायी? इनका तो कोई जाति नहीं है ना, और इनके जाति में तो कोई अपराधी नहीं है, टैक्स में कमी आ जाएगी, ये तो मात्र व्यवसायी है। आपको भी ना टीएमएसपी के भत्ता बच जाएगी, एक नंबर अब चमचा है सब लोग, वो बोले कि बस हमको भरोसा, इसीलिए आप लोग का ये हाल है। कभी बीजेपी का नेता आएगा उसके हो जाइएगा, कभी डीएमएसपी, अरे बाप, राजीव नगर में मारा गोली क्या हुआ, उसके पहले मारा क्या हुआ? ये अलाउद्दीन के चिराग है लोग। तो आपने जिस तरीके से आपने साफ तौर पर सुना कि जाप सुप्रीमो ने भी ये कहा कि अगर नेता माफियाओं को टिकट देंगे तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहेंगी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और अभी बॉर्डर से सटे इलाकों में छापेमारी जारी है। वहीं एसएस ज्वेलर्स डकैती कांड को लेकर सर्राफा कारोबारियों का गुस्सा चरम पर आया है। पटना पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर सर्राफा कारोबारी पूरी तरीके से आग बबूला है। सर्राफा कारोबारियों ने साफ कर दिया कि सोमवार तक 14 करोड़ से अधिक के लूटे गए सोने और 14 लाख रुपए कैश को पुलिस बरामद नहीं कर सकी तो उसके बाद बड़ी हड़ताल की जाएगी। वहीं बिहार में हो रही स्वर्ण कारोबारी के साथ लूट की घटनाओं को लेकर अखिल भारतीय स्वर्ण कार संघ ने आक्रोश जताया है। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता ने आज पटना में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिस तरह से बिहार के अलग अलग जिलों में आए दिन घटनाएं हो रही है वो हम लोगों को चिंतित कर रही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ कारोबार करें या फिर यहाँ से पलायन कर जाएं। मिलन जो आयोजित किया गया है उसका सबसे मुख्य कारण है कि बिहार में लगातार पिछले 3 महीनों में 50 से अधिक घटनाएं घटी है स्वर्णकार समाज पर लगातार हमले हुए हैं और प्रशासन ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है। प्रशासन ने जरूर आश्वासन दिया है कि हम इस पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है, इससे हम लोग बहुत हतोत्साहित हैं।
इसलिए हम लोग और बाकरगंज की जो घटना है 14 करोड़ का जो लूट की घटना है, हम लोग को अंदर से हिला कर रख दिया है और पूरे बिहार के स्वर्णकार समाज को हिला कर रख दिया है। उससे हम लोग बहुत आहत हुए और इस बात पर एक्शन लिए और हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लगातार बिहार में सराफा व्यवसायियों को निशाना बनाता जा रहा है, बाकरगंज, कभी राजीव नगर, कभी पटना के बाहर भी, तो क्या मांग करेंगे सरकार से? हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार तुरंत इस पर कड़ा एक्शन ले और जिस तरह से शराब पर सरकार का हार्ड एक्शन होता है, उसी तरह से अपराधियों पर जो स्वर्ण व्यवसायी पर हत्या हो रही है, उसके घर में लूट हो रही है, उसकी दुकानों में लूट हो रही है, उस पर सरकार स्वर्ण व्यवसायियों पर जो घटना घट रही है शराब की तरह एक्शन, शराब पर सरकार कैसे सख्त है, उसी तरह हम चाहते हैं कि इस पर भी सरकार सख्त हो। अपने परिचय दें। जीवन कुमार, क्या हुआ? महासचिव अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 2005 में बिहार में आई सुशासन सरकार अब फेल हो रही है। वही संघ के सचिव जीवन कुमार ने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। जीवन कुमार ने कहा कि पटना समेत दूसरे जिलों में हुई कांडों का अगर 7 दिनों में बिहार पुलिस खुलासा नहीं करती है तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। आगे देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले पर क्या नया अपडेट आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे वीडियोस अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पर लड़ाई।